रहमान रहीम, माई डियर वेल विशर्स, आज इतवार की शाम आपके नाम PPSC के हवाले से कुछ बातें। हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे, PPS खामोश है और PPS तेज़ भी है, क्योंकि उसने यकदम 31 जुलाई और 1 अगस्त तक जंप लगा दिया है और प्लानर को अपडेट किया है, जबकि 25 इतवार को छोड़ दिया है। इसकी कुछ वजह सामने आ रही हैं, क्योंकि पीपी ने अपने काम तो निपटाने थे, तो इसलिए उन्होंने अच्छा किया। अब दो जो अहम प्रॉब्लम आ रही हैं, एक तो लीक केसेस का मामला है जो कि कोर्ट में है, और दूसरा कवर्ड 19 का चौथा फेस, वो भी PPSC को परेशान कर रहा है। तो PPS की हालत तो आजकल कुछ इस तरह सी है, जिस तरह के मनीर न्याजी की पंजाबी नज़म के कुछ शेर हैं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो डियर वेल विशर, अल्लाह करे कि इस तौक से हमारी जान छूट जाए। अब लग तो यूँ रहा है, अगर मंडे को कोर्ट फैसला सुना देती है और फैसला पॉजिटिव है, PPSC के हक में है, तो फिर फिजिक्स का पेपर भी 25 को संडे को आ सकता है, कल प्लानर दोबारा अपडेट हो सकता है, नहीं तो फिर मामला आपके सामने हैं, अगस्त से फिर अगस्त से सितंबर तक जाएंगे। तो किसी शायर ने इसीलिए कहा है कि कौन समझे तेरे बहानों को, कौन समझे तेरे बहानों को, बात पहुंची दिनों से बरसों तक। तो ये बरस हो चले हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अब जो कुछ पेपर होने जा रहे हैं वो भी बड़े अहम पेपर हैं, मैनेजमेंट में वाटर मैनेजमेंट का भी है, अटर्नी ऑफिसर का भी है, कुछ कोर्ट की पोस्ट भी हैं, प्रोसिक्यूटर की, कुछ जूनियर क्लर्क की भी हैं, कुछ म्यूनसिपल ऑफिसर की बड़ी अहम पोस्ट है, तो ये इंशाल्लाह तमाम निपट जाएंगे। अब मैं कुछ एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा मैंने अपने वेल विशर से कहा था कि डायरेक्शन को चेंज करें, तो डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये नहीं था कि आप लेक्चरशिप के लिए बिल्कुल ट्राई छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह नवंबर में अक्टूबर में पोस्ट आएंगी 3, 4, 2, 3, तो उसमें आपने भरपूर हिस्सा लेना है। मैंने तो उन लोगों के लिए कहा कि जो बेचारे जिद हो चुके हैं और साल से भटक रहे हैं, तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछली दफ़ा भी किया था, जिनमें FIA में तो अप्लाई कर चुके होंगे, FBR में आ रही हैं, वाग्डा में आ रही हैं, कस्टम में आ रही हैं, तो इस तरह इन पोस्ट को अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उनमें भी आपका जो है सिलसिला वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कोटा के सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे थे कि जनूबी पंजाब का जो कोटा है उसके क्या मामलात हैं, कब से अमल दरामद होगा, तो जब तक ये नोटिफिकेशन इशू नहीं होता तब तक ये नहीं होगा, और जो 2020 की सिलेक्शन है इस पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो डियर वेल विशर, इसके अलावा आप बार बार कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ करें, तो मैं तो अपना रोल अदा कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। KP के लोगों ने बहुत हिम्मत की, आप भी करें, पोर्टल पे जाएं, CM को एप्लीकेशन लिखें, PM को लिखें, वज़ीरे तालीम को लिखें, सेक्रेटरी साहब को लिखें, ताकि आपकी सुनवाई हो। अगर 100 लोगों ने भी ऐसा काम कर लिया तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो मायूसी आपके करीब नहीं आनी चाहिए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त फिर मैं कहता हूँ हमेशा आपका है। अब आखिर में आपसे ये है, एक बात करनी है, अखलाकियात की समझ लें, हमारे रिलीजन की समझ लें, कुर्बानी करीब है, लेकिन कुर्बानी से पहले आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। वो किस तरह, कि आपके अंदर अल्लाह ना करे अगर कोई हसद है, अना है, तकब्बर है, बदगुमानी है, तो ये चीज़ें पहले कुर्बान करें,
क्योंकि इनकी कुर्बानी के बाद ही आपकी कुर्बानी को जो है ना वो शर्फ़ी कबूलियत हासिल होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे। हाँ आखिर में सॉरी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी एक वेल विशर का, उन्होंने मारिया अनीस ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात की है, तो मारिया अनीस अगर खुद हिम्मत करें तो उनका भी शुक्रिया। मैं जी ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, मेरे वेल विशर खुद ही ये मामला समझें और कोशिश करें कि सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी मोहब्बत का कुछ प्रैक्टिकली भी अंदाज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।